आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक निजी चैनल में दिए एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र था और हमेशा रहेगा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र बनने को और हवा दे दी। इस बयान के बाद से विपक्ष भी मुखर हो गया है। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने लोगों के बीच में गए और जानी आखिर उनकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर। इन्होंने सबको मकान दिया है, सिलेंडर दिया है, हर योजना उनके घर पे पहुंचाई है, क्योंकि दलालों का काम खत्म कर दिया। अब कानून का राज क्यों नहीं योगी चलाते हैं? जीएसटी का मेरे में कोई प्रावधान नहीं है, स्टाम्प पर लिखित सारा खेल यहाँ से दिल्ली तक हटा सकते नहीं, न योगी न मोदी। तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। हम तो चाहते हैं कि मुसलमानों को निकाल बाहर किया जाए। इस सरकार से बढ़िया ताकत आए, 18 गुट इसके पीछे लगे हुए हैं, 18 गुट पीछे लगे हुए हैं, लेकिन 18 गुट फेल इसलिए हो गए क्योंकि उनमें कोई परिवर्तन सही नहीं था। 9 साल से वो क्या कर रहा, खीर खा रहा है ना। हमको दिया 15 लाख, हमको दिया 2 करोड़ नौकरियां। हम वोट पूरा मुस्लिम देगा वोट। हम दावे से कहते हैं कि मुस्लिम इसके साथ है, इस सरकार के, क्योंकि मुस्लिमों के साथ में अत्याचार नहीं किया। अरे इसी से उनकी सत्ता आए तो होगा कुछ थोड़ा ही, न हिंदू राष्ट्र होगा न कोई राष्ट्र होगा। वो तो सत्ता लाने के लिए ये धोखेबाजी छलकपट है। हमको सब चीज से दरकिनार किया गया, हमारी जिंदगी को जहन्नुम बना रखा हुआ नरेंद्र मोदी ने। मुलायम सिंह में ये सरकार कोई नहीं है, सरकार बढ़िया है और रहेगी। 24 में सरकार यही चीज हिंदू राष्ट्र बना देंगे मैं तो वेलकम करता हूँ, क्यों फिर मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी समर्थन करते हैं और योगी जी साहब का भी समर्थन करते हैं, ठीक है। और योगी जी जो हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है, योगी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, हम दावा कहते हैं पूरी मुस्लिम वोट इनको मिलेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी 5-5 बार सांसद रहे हैं और जो है दूसरे भगवान के रूप में हैं। जो शब्द स्वामी प्रसाद मौर्या जी बोले थे, अगर वो कोई मुसलमान बोला होता तो आज शायद उसके घर पे भी लोजर पहुंच गया होता। तो भारत के संविधान में कहीं हिंदू राष्ट्र का जिक्र ही नहीं है। सीधा लिखा है कि लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी धर्मों का जो है यहाँ समायोजन है। तो मुझे लगता है कि उनका बोले से कोई फायदा नहीं है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है या नहीं, इस पर बहस काफ़ी समय से, बहुत पहले से ही चलती रही है। हर पार्टी के लोग इस पर अपने अपने बयान देके अपने विचारों को प्रदर्शित भी करते रहते हैं, लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निजी चैनल के सम्मेलन में यह कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन इसे किसी जाति, मजहब या धर्म से जोड़कर देखना ठीक नहीं होगा, बल्कि हिंदू राष्ट्र एक सांस्कृतिक शब्दावली है। ऐसे में तमाम जो विपक्ष के लोग हैं मुख्यमंत्री के इस बयान का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत जो है कि संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है और इस देश में तरह तरह के अनुयायी जो हैं धर्मों के मानने वाले, मजहब को मानने वाले रहते हैं। ऐसे में किसी भी देश को, भारत जैसे बड़े देश को हिंदू राष्ट्र कहना ठीक नहीं होगा। इस समय हम दारू सफा के पास हैं और आप देख सकते हैं विधायक निवास है, यहाँ तमाम प्रकार की दुकानें हैं, लोग आते हैं, विधायक यहाँ पे आते हैं, चाय पानी करते हैं और तमाम तरह के लोगों की उपस्थिति ये भी आप देख सकते हैं। इस मुद्दे पर भारत एक हिंदू राष्ट्र है या नहीं, हम तमाम प्रकार के लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे कि आम जनमानस इसे कैसे लेता है, किस प्रकार से देखता है। इस समय हम कुछ लोगों के साथ हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे इस मुद्दे पे। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और आगे कहते हुए कहा कि इसको किसी जात या मजहब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की जो परिभाषा है वो एक सांस्कृतिक शब्दावली है। तो इस प्रकार से आम जनमानस इसको किस प्रकार से देखता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो कथन है बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। ये हिंदुस्तान क्या पूछे आप, हम भूल गए रे जी। मुख्यमंत्री ने कहा एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और इसको किसी जाति, मजहब या धर्म से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है, बल्कि ये हिंदू राष्ट्र की जो परिभाषा है, कल्पना है, वो एक सांस्कृतिक शब्दावली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, यहाँ सब धर्मों का सम्मान है, सारे धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही उच्च उत्तम कार्य कर रहे हैं, जिससे सारी जनता उनके कार्य से संतुष्ट है और हम लोग बिल्कुल उनके साथ में हैं। और हमारे बड़े भाई और आपके शब्दों का जवाब देंगे।
जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने भारत को एक हिंदू राष्ट्र कहा है, तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो भाजपा सरकार पर हमलावर हो रही हैं और कह रही हैं कि धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे से दान भटकाने के लिए, क्योंकि इस देश में सभी धर्मों के मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं तो इसे हिंदू राष्ट्र कहना ठीक नहीं होगा। नहीं, हिंदुत्व का मतलब समझना चाहिए, केवल राजनीतिक समीकरण को लेकर के हिंदुत्व का विरोध करना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होता है। और जहाँ तक योगी आदित्यनाथ बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो देश की सांस्कृतिक परंपरा रही है, जो विचारधारा रही है, जैसे जो लोग रहे हैं उनके हिसाब से हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुत्व की बात ही करेंगे ना। लेकिन जो विपक्षी पार्टियाँ, जो बड़े नेता हैं, जैसे AIMIM के ओवैसी साहब हो गए, मायावती हो गए, यहाँ तक नीतीश कुमार ने भी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को सिरे से खारिज कर दिया है। इनको हिंदुत्व की परिभाषा समझना पड़ेगा। केवल हिंदुत्व बहुत व्यापक शब्द है, हिंदुत्व में सभी लोग समाहित हैं, सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन जो व्यापकता है वो हिंदुत्व है, इसलिए योगी जी कह रहे हैं। अब आप सभी दिन ओबीसी की बात करते हैं तो उनका एक कौम की राजनीति करते हैं, वो मायावती की बात कर रहे हैं तो भी एक समुदाय की बात करेंगे, या और लोग जो बात करेंगे समुदाय की बात करेंगे, लेकिन जब हम विराटता में जाएंगे, व्यापकता में जाएंगे, हिंदुस्तान की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, समावेशी बात करेंगे, चिंतन करेंगे, तो उसमें हिंदुत्व की बात आएगी और निश्चित रूप से हम लोग हिंदुस्तानी हैं तो हिंदुत्व की बात करेंगे। आपने कहा कि तमाम जो लोग हैं वो एक कौम या एक समुदाय की बात करते हैं, तो क्या इस लोकतांत्रिक देश को, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह देश बना है, संविधान से यह देश चलता है, हिंदू राष्ट्र की बात करना क्या किसी एक धर्म विशेष को आगे करना नहीं है? नहीं है, हिंदुत्व में मैं कहा समावेशी विकास है। हिंदुत्व का कोई जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, किसी मजहब से नहीं मतलब है। अयम निजह परावेश गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी वसुधा को अगर हमने कुटुंब की तरह माने हैं तो हिंदुत्व में आता है, हिंदुस्तानी है ना, हम लोग मानते हैं ना हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान ही हिंदुत्व शब्द का है। लेकिन लगातार जो है ओवैसी को ले लीजिए या फिर तमाम बड़े नेताओं को ले लीजिए, वो इस मुद्दे पर लगातार हमलावर होते हैं और भारतीय जनता पार्टी करते हैं धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी है और महंगाई और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे से लोगों का ध्यान जो है भटकाना चाहती है। तो करना चाहिए ना, हम तो ये कहते हैं कि अगर ओवैसी जी अगर आज बात कर रहे हैं या मायावती जी बात कर रही हैं या कोई भी विपक्ष का व्यक्ति बात कर रहा है तो आगे आए ना, किसने मना किया है? आप करिए, आंदोलन करिए, आप महंगाई पे आंदोलन करिए, आप शिक्षा पे आंदोलन करिए, आप रोजगार पे आंदोलन करिए, आप ऐसे विषय को क्यों चुनते हैं जिस विषय को अपने आप जवाब नहीं दे पाते हैं? तो आप खुद ही बैकफुट पर हैं, कोई मना तो किया नहीं कि आप किसी महंगाई के विरोध में आप कुछ धरना प्रदर्शन ना करो, करें ना, सही बात है, करना चाहिए उनको। क्या आपको लगता है कि कुछ लोगों की जो है इन बातों से उनको हानि पहुँच सकती है, उनको बुरा लग सकता है कि वो हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि इस देश में कई वर्गों मजहब और धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं? मुझे लगता है जब उस समुदाय को, उन लोगों को हिंदुत्व की पूरी परिभाषा, हिंदुत्व का मतलब व्यापक होता है, हिंदुस्तान में जो व्यक्ति रहता है वो हिंदू है, अब हिंदू का मतलब जो व्यापकता से है उसका मतलब किसी धर्म से नहीं है, सनातन धर्म हमारा रहा है, हिंदू धर्म हिंदू राष्ट्र है तो शुरू से रहा है, तो उसमें उनको अगर वो संकीर्णता में जाएंगे, एक विशेष समुदाय की बात करेंगे, विशेष वर्ग की बात करेंगे, तब उनको कष्ट हो सकता है, लेकिन जब व्यापकता की बात करेंगे, समावेशी विकास की बात करेंगे तो उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। अब हम कुछ और लोगों से भी राय लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र को किसी जाति मजहब या धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, जबकि एक सांस्कृतिक शब्दावली है, इस पर आपके क्या विचार हैं? हिंदू राष्ट्र मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए ये चीज़, अगर कानून में कोई परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं, लोकसभा में जब पास होगा तभी तो हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाएगा। अब ये किसी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कोई भी हो, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री के कहने से कुछ नहीं होने वाला है, चूँकि ये धर्म निरपेक्ष है, भारत आपका धर्म निरपेक्ष है, तो ये संविधान का अधिकार है कि या हिंदू राष्ट्र यानी सभी धर्मों का समान अधिकार है, यहाँ जो चाहे जिस धर्म में पूजा पाठ कर सकता है, जो चाहे जिस धर्म को मान सकता है, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, ये धर्म निरपेक्ष जो है देश आपका। तो ये कहना मानी मुख्यमंत्री जी का कि नहीं, मुख्यमंत्री जी का बयान के बजाय देश के प्रधानमंत्री जी का बयान आना चाहिए इन मुद्दों पर, चूँकि मेन तो वही है, लोकसभा से पारित हो
जब तक लोकसभा से नहीं पारित होगा, जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा, तो कैसे मान लिया जाएगा? ये बताइए कि अगर पीएम खुद कहते हैं भारत एक हिंदू राष्ट्र है, तो क्या आप उनके विचारों का सम्मान करेंगे, उनकी बात मानेंगे? पहले तो लोकसभा में पास करवाएं, विधिवत उसको पास करवाएं, तो हम मान लेंगे। लोकसभा में ये पास हो जाए कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हम एकदम मान लेंगे। और पूरे देश की जनता को भी मान लेना चाहिए, अगर लोकसभा में पारित हो गया तो मानने में कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी जो है ये तो सभी धर्मों को समान देखता है, धर्म निरपेक्ष है ना भारतवर्ष। भारतवर्ष में तमाम तरह के धर्म के लोग रहते हैं। ऐसा आप लोग भी तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात पूछी जा रही, तो आप लोग भी तो देख रहे होंगे कि तमाम धर्मों के लोग भारत में निवास करते हैं, और सारे धर्मों को खुली छूट है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी उसमें पूजा कर सकते हैं। कोई जो है मंदिर में पूजा करता है, तो कोई चर्च में करता है, तो कोई जो है मस्जिद में जाता है, कोई जो है बुद्ध को मानता है। तमाम विपक्षी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, ओवैसी की बात कर लीजिए या फिर मायावती की बात कर लीजिए, नीतीश कुमार ने भी अपना एक बयान दिया कि हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है वह ढकोसला है, और इस देश में तमाम वर्गों को, धर्मों को मानने वाले अनुयायी भी हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। करोड़ों करोड़ जनता है भारतवर्ष में, और तमाम जातियाँ के लोग हैं, तमाम लोगों के, तो कुछ लोगों को पता ही नहीं कि कितनी जातियाँ और कितने धर्म के लोग हैं, तो कैसे होगा? जब वो लोगों ने कहा है तो वो लोग भी तो सोच समझ के कहे होंगे। और दूसरी बात, जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा, तो कैसे आप कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र है? लोग ऐसा कहते हैं कि सनातन धर्म जो है वो जात की बात नहीं करता है, वो समावेश की बात करता है। अगर लोग कहते हैं तो अच्छी बात है, सनातन धर्म अगर सभी जातियों सभी धर्मों का जो है सम्मान करता है तो अच्छी बात है। अगर कहीं किसी को अड़चन हो रही हो या कोई उस तरह का दबाव हो, वैसे भी कोई दबाव तो है नहीं भारत में, कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं, किसी भी धर्म में जो है जा सकते हैं, किसी भी मंदिर में पूजा कर सकते हैं, किसी भी मस्जिद में जा सकते हैं, तो भारतवर्ष में गिरजाघर में जा सकते हैं, तो यहाँ तो कोई वैसा रोक टोक नहीं है। धर्मनिरपेक्ष है ना आपका देश, धर्मनिरपेक्ष है, संविधान में ये लिखा गया है। जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा, तब तक कैसे कह सकते हैं कि अब ये हिंदू राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा ना। और धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सबसे बड़ी बात है, उसकी प्रस्तावना में है कि संविधान के कि ये धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्मनिरपेक्ष देश है तो इसमें कैसे कहा जा सकता है? आप ही मतलब आप मुख्यमंत्री की बात का समर्थन नहीं करते हैं या सिरे से खारिज करते हैं? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी की बात, क्या हम भी तो हिंदू हैं? ऐसा तो है नहीं कि हम हिंदू नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बस की बात नहीं है। आप ये बताइए, या आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश का तो प्रधानमंत्री जी हैं पूरे, और लोकसभा में जो संविधान संशोधन होगा तब न माना जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में कोई अपना जो संशोधन करें कि उत्तर प्रदेश को इस तरह का राज्य घोषित करावें, तो अच्छी बात है, उनके बस की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बस की बात नहीं है, देश के प्रधानमंत्री के पास ये है अपना जो संविधान संशोधन कराएं लोकसभा चला के, उसमें अगर पारित होता है तो सारे लोग मान लेंगे, देश के सारी जनता मान लेगी, उसमें कोई फर्क नहीं है। हमें किसी उससे विरोध नहीं है, हमारा केवल यह कि जो संवैधानिक शब्द है वो अगर आ रहा है तो संविधान में संशोधन करने के बाद ही तो आएगा। तो हम और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि उनके क्या विचार हैं कि भारत के हिंदू राष्ट्र होने पे। मुख्यमंत्री जी ने एक कार्यक्रम में कहा कि यह देश एक हिंदू राष्ट्र है, और इस देश को हिंदू राष्ट्र को किसी भी जाति मजहब धर्म से नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक शब्दावली के तौर पे जो है हिंदू राष्ट्र है। यहाँ का जो प्रत्येक नागरिक है वो अपने आप में ही हिंदू है। आप क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री जब पहली बार शपथ ग्रहण किए थे तभी मुख्यमंत्री कहे थे कि कानून का राज चलेगा, जो कानून को न मानता हो जो पिछोड़ दे। हमने दूसरे दिन ही विरोध किया, मैंने कहा मैं कानून को नहीं मानता, क्यों? कानून भगवान के विधान के खिलाफ है, नहीं मानता भगवान के विधान को, मानता यूपी क्यों छोड़ दें, क्या उनकी पुश्तैनी संपत्ति है? इसी बात विरोध बढ़ गया। दोबारा उन्होंने कहा शास्त्र में छुआछूत नहीं है, तो मैंने भोजन पर उनको आमंत्रित किया मंत्री जी के साथ में, बोले आएंगे। हमने कहा सबकी थाली में भोजन परोस कर योगी की थाली में हाथ पैर धोकर पैर पोंछ कर और पैर से अंगूठे से उठाकर रोटी रखेंगे। सब विरोध कर दिया, ऐसा क्यों? मैंने कहा प्रश्न पूछेंगे, अगर नहीं भोजन करते तो कहें हाथ और पैरों में छुआछूत कैसे? और विरोध बढ़ गया। अब विरोध बढ़ते बढ़ते अब की हुई है तो दोबारा, तो अब विरोध क्या बढ़ गया, वो एक पार्टी बना ली जैसे घर में दूसरी पार्टी, घरवाली नहीं देखो वो यातायात में है तो सबको यातायात में भेज दो, नहीं जाते। तो आप ये कहना चाहते हैं अब कानून का राज क्यों नहीं योगी चलाते हैं, कि जाति का मेरे में कोई प्रावधान नहीं है,
स्टाम्प पर लिखित सारा खेल यहाँ से दिल्ली तक हटा सकते नहीं न योगी न मोदी। तो जब जाति का प्रावधान नहीं है तो फिर जाति यातायात में क्यों रोज भेजते हैं? आप ये छोटू बन जाऊं, बाप हूं, बेटा बन जाऊं, छोटू बन जाऊं, उसका पक्षपात बहकाए हैं लड़के को और यातायात में रोज रोज फिरका परस्ती, रोज चक्रव्यूह रचते हैं छल कपट का योगी। आप ये बताइए कि ये देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश में है, संविधान से चलता है, उसके लिए बाकायदा लॉ एंड ऑर्डर की भी व्यवस्था है, तो आपने कहा भी आप लॉ एंड ऑर्डर में नहीं मानते। वो संविधान की ये धारा को काट दें जिसमें अपने धर्मों पर सबको चलने की छूट है, तब तो हिंदू राष्ट्र करेंगे। यदि ये धारा नहीं कर सकती कि अपने धर्मों पर चलने की सबको छूट है तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? तमाम लोग जो हैं विपक्ष के जो बड़े नेता है, मायावती ने भी इस बात का विरोध किया है, वैसी ने इस बात का विरोध किया। अब इसमें बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने भी एंट्री ले ली है कि ये जो बात है हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की, इस पे बात नहीं होनी चाहिए, बात जो है बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक स्थिति, देश की अर्थव्यवस्था, GDP की होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए इस पे बात? अरे इसी से उनकी सत्ता आए तो होगा कुछ थोड़े ही, न हिंदू राष्ट्र होगा न कोई राष्ट्र होगा, वो तो सत्ता लाने के लिए ये धोखेबाजी छलकपट है। आपका कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मुद्दा बनाया जा रहा है, लाके दिखाएं। हिंदू राष्ट्र लाने की क्षमता नहीं, न औकात है, न ला सकेंगे इस देश में, लेकिन बहका कर जनता को अपनी वोट हासिल करने का एक ये बड़ा खड़ियंत्र तरीका है। मतलब आप कह रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हिंदू राष्ट्र का एक मुद्दा बनाया जा रहा है। मुद्दा बनाया जा रहा है। अब हम बाकी लोगों से भी उनकी प्रतिक्रिया देंगे लेंगे कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री के बयान पे उनकी क्या राय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में एक बयान दिया था कि यह देश जो है वो हिंदू राष्ट्र है और जो इसकी परिकल्पना है वो एक सांस्कृतिक शब्दावली है, उस देश का हर नागरिक हिंदू है। देखिए जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा तो सही कहा है, इसलिए हिंदुस्तान का नाम है हिंदुस्तान, तो हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। अगर हिंदू राष्ट्र वो कह रहे हैं तो वो गलत नहीं कह रहे हैं। बाकी बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है 2017 और 2024 और 2014 और 2017 और 2019 2022 बड़ी उम्मीद के साथ जो है इस जनता ने जनादेश की दिया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी 5-5 बार सांसद रहे हैं और जो है दूसरे भगवान के रूप में हैं, गोरखनाथ महंत के एक बहुत बड़े विरासत। मतलब आप मुख्यमंत्री को भगवान का दर्जा दे रहे हैं? हाँ, भगवान का दर्जा दे रहे हैं, और देश की जनता बल्कि उनको प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहती है। तो मोदी जी कहाँ जाएंगे फिर? ये मोदी जी उनको तय करना है, बाकी जनता की जो अपेक्षा है। साहब भी तो लाइन में लगे हैं। अरे लाइन में लगे हैं तो लाइन में यहाँ तो सब कोई लगे, लाइन में तो राजनाथ सिंह जी भी लगे थे, दो किनारे हो गए। बाकी जहाँ तक सच्चाई बात है, कौन किनारे होगा इस बार, योगी जी आगे चढ़ेंगे? अब यू तो पार्टी को तय करना है, बाकी जो है अपेक्षा लोगों की है योगी जी को प्रधानमंत्री बनने के। बाकी जहाँ तक बात रही है माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि अभी हमारे ब्लॉक संडीला में ये मतलब अधिकारियों ने बताया है कि जो है मनाइट पिछड़े का और अनुसूचित का बजट आया है आवासों में, और जो है मनाइटी को नहीं आया है। बड़े दुख के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना पड़ रहा है कि कहीं पर शिक्षा की बात करो, कहीं पर पानी की बात करो, बिजली की बात करो, खाद की बात करो, एजुकेशन की बात करो, बंद ये उद्योग हैं उनकी बात करो। यही जगह पर माननीय देश के प्रधानमंत्री पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना गांव-गांव चलाई, और जो है ये सरकार भी तो तमाम योजनाएं चला रही है, अभी हम आपको बता दे रहे हैं। दूसरी बात, 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश के मंत्री थे, सऊदीया की उन्होंने रास्ता खुलवाई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 रुपया पर 2 रुपया अटल बिहारी वाजपेयी ने क्रेडिट कार्ड बनाया, 100 रुपया जो है जो 100 रुपया पर 2 रुपया ब्याज पड़ता था, ऐसी कोई दिशा माननीय मुख्यमंत्री से हम निवेदन करना चाहते हैं। क्रेडिट कार्ड अटल जी लाए थे? हाँ, क्रेडिट कार्ड अटल जी लाए थे और प्रधानमंत्री सड़क योजना अटल जी लाए थे, और जो सऊदीया को मुसलमान आज जा रहे हैं और विदेश की रास्ता खुलाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। जो सच्चाई, अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर आदमी तारीफ करता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री से हम निवेदन करते हैं कि कोई बिजली पानी और खाद्य शिक्षा सुरक्षा की बात कीजिए, कोई नए उद्योग खुलवाइए। ये सरकार तो कह रही है कि प्रदेश का हर घर जो है वो बिजली से युक्त है, हर घर में जो बल्ब जलते हैं, लाइटें जलती हैं, और आप बिजली की बात कर रहे हैं। हाँ, हम मुख्यमंत्री जी के ये भी संज्ञान में लेना चाहते हैं कि आपका शासन जो है आप चला रहे हैं, अफसर चला रहे हैं, मैं अपने संडीला की बात बता रहा हूँ जिसमें बिजली में
के एस्टिमेट पास हूँ पर हैं। मेरा पड़ता है संडीला में ग्राम सभा गोसवाड़ों का, जहाँ पर यहाँ बिजली के एस्टिमेट पास हूँ पड़े हैं और जो है पास होने के बावजूद में अभी तक बिजली वाले कह रहे हैं कि पैसे जमा करो तब जो है हम खंभा लगाएंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है मुख्यमंत्री जी पर बड़ा लोगों का भरोसा है और सबके साथ और सबके विकास की अगर बात कर रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं खरी उतर रही है और योगी आदित्यनाथ जी को देश की जनता प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। उनके मुँह से ऐसे अनहोनी शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान इस देश का नाम है और हिंदुओं का स्थान है इसलिए हिंदू राष्ट्र है ये, लेकिन किसी भी धार्मिक ग्रंथ या फिर वेद में हिंदुस्तान शब्द का जिक्र तो मेरे लिहाज से नहीं है। मैंने आर्यावर्त सुना है, भारतवर्ष सुना है, तो हिंदुस्तान से हिंदू राष्ट्र का क्या जो है तात्पर्य निकलता है? देखिए जहाँ तक बात रही है मुख्यमंत्री जी एक महंत हैं और उनको ऐसे शब्द न कहना चाहिए। देश की जनता जो भी है उनके साथ है और रुपया में जो है 20% या 25% नहीं अगर आदमियों ने वोट दिया है तो मुस्लिम महिलाओं ने भी जो है वोट दिए है ये सरकार को अपना। मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा कि इसको मजहब से जोड़ के ना देखिए, यहाँ का प्रत्येक नागरिक हिंदू है चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब की बात करता हो या उसका अनुयायी रहा हो। ये भी मानी मुख्यमंत्री जी कि हम संज्ञान में लाना चाहते हैं जो शब्द स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोले थे, अगर वो कोई मुसलमान बोला होता तो आज शायद उसके घर पर बिल्डोजर पहुँच गया होता। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हिंदू हैं, उनके खिलाफ इसलिए या तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को डर है, यह माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भी डर है कि हमसे हो सकता है पिछड़ा वोट ना कहीं भाग जाए। लेकिन लोग तो बताते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध धर्म को मानते हैं। अब ये बौद्ध धर्म में या सनातन धर्म में दोनों हिंदू धर्म के लोग हैं उनको तय करना चाहिए, क्योंकि किसी के धर्म पे और किसी की आस्था पे हमें टिप्पणी करते अच्छा नहीं लगता है। तो ये भाई साहब हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये कह रहे हैं कि उनको इस तरह की शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में देश की जनता प्रदेश की जनता उनको प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है। आइए कुछ और लोगों का रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके विचार जाने। क्या नाम है आपका? राम भुवन राव। क्या करते हैं आप? अभी तो तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी करें किस चीज़ की? गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट जॉब की, कौन सा फॉर्म भरा आपने? हाँ तो बहुत भरते हैं अभी, वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं। वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं, टेट सीटेट सब क्वालिफाई हैं और टीचर वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे साथ टेट और सीटेट क्वालिफाई एक व्यक्ति है, रोजगार की बात कर रहा है, रोजगार ढूंढ रहा है, चाहे वो सरकारी माध्यम से हो चाहे वो निजी माध्यम से हो। मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, यहाँ का हर नागरिक हिंदू है। कैसे देखता है आप छात्र वर्ग से आते हैं तो छात्र वर्ग इसको कैसे देखता है? नहीं ये तो गलत चीज़ है, क्योंकि भारत की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक देश है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भारत क्या बोलते हैं कि लोकतांत्रिक देश है, ना कि कोई हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान है, तो भारत के संविधान में कहीं ऐसा जिक्र नहीं है, तो गलत चीज़ है। मान लीजिए बोल रहे हैं तो कोई वोट बैंक का भी राजनीति हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल जो है कि उनका मतलब एक मतलब चुनाव के लिए ऐसी बयानबाजी, पोलराइजेशन के लिए बोल रहे हैं और कोई ऐसा मुद्दा है नहीं। अच्छा ये भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जातियों के लोग रहते हैं, तो भारत के संविधान में कहीं हिंदू राष्ट्र का जिक्र ही नहीं है। सीधा लिखा है कि लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी धर्मों का जो है यहाँ समायोजन है, तो मुझे लगता है कि उनका बोलने से कोई फायदा नहीं है। एक बाबा हैं बागेश्वर धाम के, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बहुत चर्चा में हैं, आप सुने होंगे, लगातार इस बात को हवा देते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, नहीं होगा तो बना देंगे। 18 को बना तो रहे कल, नहीं ये फर्जी है, वो फर्जी बाबा है, ढोंगी बाबा है, कुल मिला के वो सिर्फ मुद्दों से भटका रहा है, जबकि यहाँ पे भारत में जो रोजगार जो है कि करप्शन का ज़्यादा बढ़ गया, बेरोजगारी नहीं बढ़ गई है उस पर बात करना चाहिए। लेकिन यहाँ के संत जो हैं आज जिस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इतना घटिया मानसिकता उनके अंदर हो गई है। देखिए एक संत अभी कोई सरस्वती करके बोला है कि आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि EWS सुदामा कोटा जो मिला है 10% उस पर कभी नहीं बोलते हैं, लेकिन वही कहेंगे कि आदिवासी पिछड़े दलितों का जो रिजर्वेशन मिला उससे देश बर्बाद होता है, जबकि 8 लाख इनकम वाले को आरक्षण मिलता है, जब OBC में भी क्लियर है उस पर उनकी बोलती नहीं बंद होती। EWS जो सिस्टम बनाया गया सरकार ने वो गलत नीति की तरह बनाया, आपका कहना चाहिए? कोई उस पर डाटा जारी नहीं किया। देखिए कोई चीज़ का अगर आप देखिए SC ST आरक्षण क्यों मिलता है, क्योंकि एक डेटा उनके पास है, इतनी जनसंख्या है, उनकी इकोनॉमिकल सामाजिक आर्थिक जो है सर्वे किया गया है,
लेकिन ईडब्ल्यूएस पे सर्वे किया ही नहीं गया, फर्जी जो एक था वो वोट लेने के लिए किया गया। दूसरी बात कि वो कहते हैं कि देश जो है आरक्षण क्या बोलते हैं बर्बाद होता है, तो मुझे लगता है कि उनके अंदर ये जो मनुवादी जो है कि ताकतें उनके अंदर मनुवादी शैतान जो घूम रहा है, क्योंकि देखिए आरक्षण से जो है देश बर्बाद नहीं, तो समायोजन सरकार एक सोसाइटी जो बनती है, समावेशी सरकार जो है की सोसाइटी, उसका एक निर्माण होता है। आज जो है मिडिल फैमिली किस वजह से बनी है, आज जो है मिडिल फैमिली इसमें दलितों पिछड़ों का बहुत ज़्यादा योगदान है। सबसे ज़्यादा जीडीपी में अगर किसी का योगदान है तो पिछड़ों और दलितों का है, क्योंकि ये एक मिडिल फैमिली का। आपके पास कोई डाटा है इसका, किसका कि दलितों पिछड़ों का ज़्यादा योगदान है? हाँ, जीडीपी में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इस देश की आबादी में 140 करोड़ पॉपुलेशन में 80 से 90 करोड़ दलित और आदिवासी पिछड़े हैं। अच्छा ये बताइए, आप 40 करोड़ आप जो है सामान्य वर्ग को जो 10% का आरक्षण मिलता है केंद्र सरकार की तरफ से, आप उसका विरोध कर रहे हैं? विरोध तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो नहीं, अभी आपने कहा ये गलत नीति कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो दो अर्थी बात नहीं करना चाहिए कि मुझे आरक्षण जो है कि नहीं मिल रहा है, जबकि 8% 10% आरक्षण मिला, 8 लाख इकोनॉमी बेस पे मिल रहा है, उन्हें वहाँ स्वीकार करना चाहिए कि मुझे भी आरक्षण मिल रहा है, लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं, दलितों पिछड़ों को टारगेट करते हैं, ये बहुत गलत चीज़ें हैं। और दूसरी बात है, जो महात्मा हमारे साधु संत बैठ कर अनर्गा बातें करते हैं, रामचरितमानस सीधा लिखा है, नीच बोला गया, अधम जाति बोला गया। पढ़ी है रामचरितमानस आपने? हाँ पढ़ी हमने, पूरा पढ़ा है। हाँ पढ़ी है, उसका भावार्थ भी होगा। हाँ इस पे भी लगातार जो है विरोध जो है गरमाता जा रहा है चौपाइयों में। विप्र सूत्र, अरे क्या बोलते हैं कि पुजई विप्र सकल गुनीना सूत्र न पुजई वेद प्रवीणाष्कार था, बताइए। नहीं आप मैंने छोड़िए, नहीं मैंने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है बताइए। अरे अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात मत करिए ना, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने कभी नहीं पढ़ा, आप बताइए। पुजई वेद अरे क्या बोलते हैं पुजई वेद विप्र सकल गुणहीना के मतलब क्या है, सकल गुणहीना गुणों से हीन हो तभी उसको पूजिए, लेकिन अगर शुद्ध कितना भी पढ़ा लिखा उसको पूजने का अधिकार नहीं है, जो कि इसमें रामचरितमानस के क्या बोलते हैं कि जो उत्तरकांड है जो भी है उसमें लिखा गया, हमारे व्हाट्सएप पे है अभी भी। व्हाट्सएप की चीजों को परे रखते हैं, नहीं एक मिनट, व्हाट्सएप चीजों को परे रखते हैं, और आप जो है ईडब्ल्यूएस की इधर देखिए भाई साहब, ईडब्ल्यूएस वाला मामला आपने उठाया है, एक पर्सनल सवाल करूंगा, बुरा मत मानिएगा, आप सामान्य वर्ग से नहीं आते हैं पक्का? आप जो है सामान्य वर्ग की जो 10% की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि सामान्य वर्ग मानता नहीं है कि उसको आरक्षण मिलता है, ठीक है, और तमाम प्रकार की जो चीजें हैं क्रिमी लेयर तक की आपने बात कही, तो आपके हिसाब से क्या आरक्षण सभी को रहना चाहिए या कि तत्काल प्रभाव से हटा देना? सभी को मिल रहा है, सभी को मिल रहा है, आरक्षण है क्या सभी को मिल रहा है? एक मिनट पहले हम कहते हैं जाति काहे के लिए बोल रहे हैं, आप नंबर आएगा, जाति आधारित आरक्षण तो है, हमको बताइए, हमको ये डाली फॉर्म बनवाने दीजिए, बनाएगा तहसीलदार, बनाएगा बताइए, हम दलित हम ईडब्ल्यूएस में बनवाना चाहते हैं, बनाएगा? वो भी तो जाति आधारित आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस भी जाति आरक्षण, उसमें सौड़ों को सिर्फ मिला है, ना कि दलित उस पिछड़े फार्म नहीं भर सकते उसमें, ये सिर्फ गंडा झूठ का फैला जा रहा है। और जाकर आप कटाप देखिए, जो कहते हैं ना 30 नंबर सिलेक्शन हो रहा है, हम लोग बाल झड़ गया पढ़ते पढ़ते, अभी नौकरी नहीं मिली, अभी हॉस्टल में अम्बेडकर छात्रावास में चलिए 40-40 और उम्र हो गई दलितों की, अभी नौकरी नहीं लगा है। अगर ऐसा रहता 2 नंबर 4 नंबर की बात कहने के लिए बहुत कुछ है, हम लोग ये विडंबना है कि सिर्फ सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग को और भी रोजगार। तो ये भाई जो है एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है कि जिस प्रकार से तमाम हिंदू राष्ट्र की बयानबाजी हो रही है, उसके बीच एक रोजगार का भी मुद्दा उन्होंने उठाया है, तमाम तरह की चीजें उन्होंने भी कही है। आप बताइए मुख्यमंत्री का जो बयान है, मुख्यमंत्री का जो बयान है कि हिंदू राष्ट्र ये देश है और जो हर व्यक्ति इस देश का नागरिक है वो हिंदू है, कैसे देखते हैं आप? तो करके दिखाएं ना आप, सिर्फ कहने से थोड़ी होता है, आप बार बार यही बात कहते हैं, भागवत भी यही बात कहता, आज उसको योगी ने स्टैंप लगा दी, एक मोहर लगा दी। तो हम 9 साल से और 1+1 ईयर जो योगी का कार्यकाल है, 9 साल दिल्ली में जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, उसने ये कहा था कि हम 35 का पेट्रोल देंगे, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, सब कुछ कहा था, वो कहाँ है वो बता दीजिए, हिंदू राष्ट्र कहाँ है वो बता दीजिए, हम तो कल्पनाओं में सिर्फ बह रहे हैं कि कब हिंदू राष्ट्र बनेगा, हम तो चाहते हैं कि मुसलमानों को निकाल बाहर किया जाए। हमारे पाकिस्तान में 1947 में आबादी थी 26-28%, अब रह गई वहाँ 1.5-2%, तो यहाँ पर क्यों खीर बांट रहा है नरेंद्र मोदी योगी मुसलमानों को, क्यों नहीं दरकिनार करता, क्यों नहीं देश से बाहर करता? तुम्हें सिर्फ सत्ता चलानी है, तुमने खीर खानी है, मोदी ने ये अय्याशी करनी है, करोड़ों के प्लेन में कहाँ खीर खा ली है मोदी जी,
अच्छा 9 साल से क्या खा रहा वो? अच्छा ठीक है, 9 साल से वो क्या खा रहा? खीर खा रहा है ना। हमको दिया 15 लाख, हमको दिया 2 करोड़ नौकरियां, हमको दिया सुरक्षा, हमको दी स्वास्थ्य, हमको दी शिक्षा, हमको सब चीज से दरकिनार किया गया। हमारी जिंदगी को जानुम बना के रखा हुआ नरेंद्र मोदी ने। और मैं जाते जाते इस वीडियो के माध्यम से ये जरूर कहना चाहूँगा, पंडित समुदाय से, ठाकुर समुदाय से, जागो तेली, तुम्हारा तेल निकालने पे तुला हुआ है और कुछ नहीं कर रहा है। तुम अंधभक्ति में इतने ज़्यादा लीन हो गए हो, तुम्हें देश नहीं दिखाई दे रहा है, तुम्हें सिर्फ अंधभक्ति दिखाई दे रही है कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे। मैं तो वेलकम करता हूँ, क्यों फिर मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? यहाँ पर 5 किलो राशन, उनको मकान, उनको सबसे सरकारी सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं? अगर पाकिस्तान में राशन तो सभी वर्गों के लिए निर्धारित किया जा रहा है। आप सभी वर्गों से मतलब क्या है? जब हिंदू राष्ट्र कर रहे हो तो उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र को किसी जाति, मजहब या धर्म से जोड़कर ना देखिए, ये एक सांस्कृतिक शब्दावली है और देश का प्रत्येक नागरिक जो है हिंदू है। बहुत सही, बहुत सही। आपका भागवत कहता है कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई है ना, और इनका डीएनए ब्राह्मणों ने या पंडितों ने? ब्राह्मण और पंडित अलग है। मेरे हिसाब से तो अलग है। आप ब्राह्मण और पंडित को मिलाकर कर लीजिए, क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत विशेष जानकारी नहीं है। ब्राह्मणों और पंडित ने ये जातियां बनाई हैं, जातियां बनाई हैं बंदर ने। थोड़ा सा अगर आप मुझे समय दें तो मैं बताता हूँ बंदर ने कैसे बनाई है। नहीं, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, ज्यादा नहीं भटकते। आपका वीडियो कंप्लीट हो जाने देते हैं, ये फिर कभी चर्चा हो जाएगी। अच्छा, आप बताइए, मुख्यमंत्री ने एक निजी चैनल में एक बात कही कि ये जो देश है वो हिंदू राष्ट्र है और प्रत्येक नागरिक जो इस देश का है, चाहे किसी भी धर्म, मजहब या पंथ को मानता है, वो हिंदू है। ये एक सांस्कृतिक शब्दावली है। हम देखिए, ये हिंदुस्तान जो है इसमें मुस्लिम का भी साझेदार है। क्यों? कि ये सब हिंदू और मुस्लिम जितने भी हैं, ये हमारे सब भाई होते हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी सरकार या हमारे यूपी गवर्नमेंट, योगी जी, इससे बढ़िया गवर्नमेंट नहीं आई। सब धोखेबाज गवर्नमेंट है। इन्होंने हर मुस्लिम को, हर ठाकुर को, हर धोबी को, हर दलित को, इन्होंने सबको मकान दिया है, सिलेंडर दिया है, हर योजना उसके घर पे पहुंचाई है, क्योंकि दलालों का काम खत्म कर दिया, दलालों का काम खत्म कर दिया। मैं मेरठ मंडल का रहने वाला हूँ, मेरा जनपद बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। इस सरकार से बढ़िया था कर रहा है। 18 गुट इसके पीछे लगे हुए, 18 गुट पीछे लगे हुए, लेकिन 18 गुट फेल इसलिए हो गए क्योंकि उनमें कोई परिवर्तन सही नहीं था। किसी की भी योजना उनके घर पे नहीं पहुंचाई क्योंकि बीच में दलाल खा लेते थे। ठीक है, ये मेरा नाम है। आने वाले समय में आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हैं? वोट देंगे हम वोट दे, पूरा मुस्लिम देगा वोट। हम दावे से कहते हैं कि मुस्लिम इसके साथ है, इस सरकार के, क्योंकि मुस्लिमों के साथ में अत्याचार नहीं किया। पहले मुस्लिम गौ काटते थे, इन्होंने गौ को हटा दिया, इन्होंने गौशाला बनवा दी कि मुस्लिम को फंसे नहीं, जेलों में नहीं जावे। ठीक है, मायावती ने हरिजनों पे, मुसलमानों पे सब पे प्रोटेक्ट लगाई। क्यों? अखिलेश जी ने छापा उड़ा दिया मुलायम सिंह साहब को कि मुलायम सिंह बन गए, मुलायम सिंह में। ये सरकार कोई नहीं है, सरकार बढ़िया है और रहेगी, 24 में भी सरकार यही जीतेगी। तो क्या आप मुख्यमंत्री के इस बयान का समर्थन करते हैं कि ये देश एक हिंदू राष्ट्र है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी समर्थन करते हैं और योगी जी साहब का भी समर्थन करते हैं। अरे योगी प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, और योगी जी जो हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है, ये हम मुस्लिम जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, योगी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, हम दावा कहते हैं पूरी मुस्लिम वोट इनको मिलेगी। ठीक है, इनको वोट मिलेगी। हम मेरठ मंडल के रहने वाले हैं, मेरठ मंडल के, हमने योगी सरकार से बढ़िया सरकार ने दी, दलाल खत्म। पूरा मुसलमान समुदाय जो है, समाज है, योगी जी के साथ है, योगी जी के, प्रधान जी के, सबके साथ, इनके साथ। योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के, इस देश, इस अभी 8-10 दिन पहले, अभी 8-10 दिन पहले हमारे विदेश के 20 जगह के लोग आए हुए थे। इन्होंने कहा कि मेरे देश को, हिंदुस्तान को रुकजार मिले, वो कंपनी खोलेंगे। हमारे जो रक्षा चला रहे थे आदमी या फुटबॉल पर पूरी बेचते थे, वो पूरी नहीं बेचेंगे, उनको 600 रुपए प्रतिदिन मिलेगा क्योंकि कंपनी बनेंगी, योगी जी बनवाएंगे और प्रधानमंत्री। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने जनता के बीच जाकर उनकी राय सुनी कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है या नहीं, इस पर उनके विचार हमने सुने और आपको उनके विचारों को साझा भी किया।
बने रहिए प्राइम टीवी के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ, मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी लखनऊ। इन्होंने सबको मकान दिया है, सिलेंडर दिया है, हर योजना उनके घर पे पहुंचाई है, क्योंकि दलालों का काम खत्म कर दिया। अब कानून का राज क्यों नहीं योगी चलाते हैं? जीएसटी का मेरे में कोई प्रावधान नहीं है, स्टाम्प पर लिखित सारा खेल यहाँ से दिल्ली तक हटा सकते नहीं, न योगी न मोदी। तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। हम तो चाहते हैं कि मुसलमानों को निकाल बाहर किया जाए। इस सरकार से बढ़िया ताकत आए, 18 गुट इसके पीछे लगे हुए, 18 गुट पीछे लगे हुए, लेकिन 18 गुट फेल इसलिए हो गए क्योंकि उनमें कोई परिवर्तन सही नहीं था। 9 साल से वो क्या कर रहा, खीर खा रहा है ना। हमको दिया 15 लाख, हमको दिया 2 करोड़ नौकरियां। हम वोट पूरा मुस्लिम देगा वोट। हम दावे से कहते हैं कि मुस्लिम इसके साथ है, इस सरकार के, क्योंकि मुस्लिमों के साथ में अत्याचार नहीं किया। अरे इसी से उनकी सत्ता आए तो होगा कुछ थोड़ा ही, न हिंदू राष्ट्र होगा न कोई राष्ट्र होगा। वो तो सत्ता लाने के लिए ये धोखेबाजी छलकपट है। हमको सब चीज से दरकिनार किया गया, हमारी जिंदगी को जहन्नुम बना के रखा हुआ नरेंद्र मोदी ने। मुल्ला मुलाम सिंह में ये सरकार कोई नहीं है, सरकार बढ़िया है और रहेगी, 24 में भी सरकार यही जीतेगी। हिंदू राष्ट्र बना देंगे मैं तो वेलकम करता हूँ, क्यों फिर मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है यहाँ पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी समर्थन करते हैं और योगी जी साहब का भी समर्थन करते हैं, ठीक है। और योगी जी जो हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है, योगी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, हम दावा कहते हैं पूरी मुस्लिम वोट इनको मिलेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी 5-5 बार सांसद रहे हैं और जो है दूसरे भगवान के रूप में है। जो शब्द स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोले थे, अगर वो कोई मुसलमान बोला होता तो आज शायद उसके घर पे बिल्डोजर पहुंच गया होता। तो भारत के संविधान में कहीं हिंदू राष्ट्र का जिक्र ही नहीं है, सीधा लिखा है कि लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी धर्मों का जो है यहाँ समायोजन है। तो मुझे लगता है कि उनका बोले से कोई फायदा नहीं है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।